सो आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ चुकी हूँ आपकी ड्रीम कंपनी TCS की तरफ से। जी हाँ, TCS की तरफ से बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा, परमानेंटली आपकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। TCS की तरफ से आपकी जो हायरिंग है, यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी विलेज से हैं, किसी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से बिलोंग करते हैं, आप डेफिनेटली इन अपडेट के लिए एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंटली आपकी जॉब है, ठीक है, अलग अलग प्रोफाइल है, सबके लिए परमानेंट जॉब है। मैं आपको सारी चीज़ यहाँ डिटेल में समझाऊंगी इस अपडेट के बारे में, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा दो चीजें ध्यान से समझना, पहली अप्लाई कैसे करना, सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है इस बार, ठीक है, वो ध्यान से समझना, हमेशा की तरह प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको मैं समझाने वाली हूँ। सेकंड चीज, सिलेक्शन कैसे होनी है, क्योंकि इसके लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, ध्यान से सुनिए, इंटरव्यू कोई नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। हर चीज़ आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगी, प्रोफाइल क्या है आपका, अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई पे ही सारा कुछ आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर से देखना है। इंटरव्यू कोई नहीं है, फिर सिलेक्शन कैसे होनी है, हर चीज़ हम ब्रीफ में यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप में से 100% कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आप कौन से लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फटाफट कमेंट करें, ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आते हैं मैं उसी वक्त आपके लिए वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ अपने फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अप्लाई कर पाए। अनलिमिटेड वैकेंसीज है, फटाफट शेयर कर दो उनके साथ, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ TCS की तरफ से। TCS की तरफ से इस बार नई वैकेंसीज आ गई हैं, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, अगर एक्सपीरियंस चाहते हैं वो भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो अपडेट आया है, अलग अलग जॉब प्रोफाइल है और परमानेंट जॉब है, पैकेज भी बहुत बढ़िया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए सिलेक्शन कैसे होनी है, अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ, कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे, अप्लाई पर सारा कुछ डिपेंड करता है आपका इस बार, ठीक है। अप्लाई का ध्यान से समझना, प्रॉपर स्क्रीन पर लेके चल रही हूँ, वहाँ पर बताऊँगी अप्लाई कैसे करना है, देन बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होनी है, क्योंकि इंटरव्यू कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर अगर आप पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसके बाद जो चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। सीधा गूगल पर भी टाइप कर लेना meetacademy.in, पहले नंबर पर साइट मिल जाएगी। तो फिलहाल बात करें यहाँ पे TCS की नए अपडेट के बारे में, यहाँ पे आपको कोई फी पे नहीं करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा है इंडियन सिटीजन कैंडिडेट इनवाइटेड अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस चाहते हैं वो भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। मैं ना पहले आपको सीधा साइट पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे बताती हूँ अप्लाई इसके लिए कैसे करना है, देन हम बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी सिलेक्शन ईजिली कैसे इस बार हो रही है, ठीक है, इसके अलावा क्या अदर रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं पहले साइट पर। तो TCS की इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए मैंने जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट का है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में चले जाना है, इधर आपको रिक्वायर्ड लिंक भी मिल जाते हैं, जो सेकंड वाला लिंक है, जो अदर वैकेंसीज आई हुई है, आप उसको चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम अप्लाई के लिए पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगी कैसे अप्लाई करना है, ताकि पहली बार में आपका इन वैकेंसी के लिए अप्लाई हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, हमारे सामने सीधा इनकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इनकी कब से एग्जिस्ट कर रहा है, TCS के बारे में आई डोंट थिंक आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत भी है। तो यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको ऑप्शन की मिल जाती है रजिस्टर नाउ की, आपको इधर क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
इस बार वैकेंसीज है ना हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे पहले ध्यान से समझिए, आप में से मेल और फीमेल दोनों को कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो आईटी वाली पोस्ट है इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ फीमेल सोचते हैं कि हमने आईटी में नहीं जाना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे बीपीएस की। वैसे तो दोनों प्रोफाइल मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड जो प्रोफाइल है आपकी वो है आपकी बीपीएस के लिए, मतलब बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के लिए वैकेंसीज है। दोनों में एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी पोस्ट के लिए दोनों में से अप्लाई करना है, सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर। सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको 10 से 12 मिनट डेफिनेटली लगने वाले हैं, क्योंकि जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सारी चीजें आपकी उसी पे डिपेंड करती है, उसको ध्यान से समझना। क्योंकि इस खास बात यह है कि यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। विदाउट इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन है। अब सपोज करो आपने सेकंड प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करा तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करिए वेरीफाई करने के लिए। कई बार होता है कि आपकी जगह पे कोई और आपके लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है, तो वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि क्या आप ही है जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना। सो मैंने अपनी जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करी तो यहाँ पे ही हमें बोल रहा है अब आप अपना ओटीपी यहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट फीचर यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो आपके मेल पे आएगा। यहाँ पे 5 मिनट के अराउंड आपको टाइम मिलता है ओटीपी आने के लिए। इन केस आपके पास उसी टाइम नहीं आता है तो आप थोड़ा सा वेट करके रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करना। मेरे पास आ चुका है तो पहले हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी अपना फिल करा तो ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये आपको आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए है ये वाला प्रोसीजर, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे सिर्फ लिखने होंगे, ठीक है। जो भी आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है सिर्फ आपको वही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सीधा उन्होंने लिखा है ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए है आपका, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम आपको लिखना है, मिडल नेम लिखना है, सरनेम लिखना है। अब कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनका फर्स्ट नेम होता है या सरनेम होता है, ठीक है, मिडल नहीं होता, तो आप उस केस में फर्स्ट और सरनेम लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार फील्ड है, ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी है। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनका सिंगल नेम होता है, तो जो आपका सिंगल नेम है वही फर्स्ट लिख देना, वही आप लास्ट लिख देना, क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करके आई एग्री वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सो जैसे मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल की, आधार नंबर वगैरह जो भी ये डिटेल्स मांग रहा था, उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से पास आउट की है, चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे हाईएस्ट लिखिए। ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखा है। सोर्स टाइप में आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेंट भी लिख सकते हैं, वेब भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्स नेम आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर आपके कोई नियर टीसीएस ऑफिस है, ठीक है, काफी सारी लोकेशन आती है आपके नियर बाय, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके ज्यादा नजदीक होगा। अब इस तरीके से आपके सामने कैप्चा शो हो जाएगा, ठीक है, वो कैप्चा आपको यहाँ लिख के सबमिट कर देना है। कई बार होते कई बार ये भी होता है कि पहली बार में आपका कैप्चा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, या आपको यहाँ पे देखने में ही प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर भी होता है, तो आपको यहाँ पे रीट्राई पे क्लिक कर देना। जो आपको क्लियरली दिखेगा ना वो कैप्चा आप यहाँ पे लगा देना। अगर सेकंड टाइम में भी आपको यही प्रॉब्लम आ रही है, अगेन आप यहाँ पे रीट्राई कर देना और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे ना, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो जो डिटेल्स ये आपसे मांग रहा है वो एज इट इज आपको बस लिखते जाना है। देन आपको यहाँ पे अपना लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड कर देना है। रिज्यूमे पे आपका ज्यादा यहाँ पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, जो जो डिटेल्स आपसे मांगेगा उन डिटेल्स को आपको फिल करने के बाद, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका इन वैकेंसीज में सक्सेसफुली जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिज्यूमे अच्छे तरीके से आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो आपका यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, विदाउट इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। कोई भी आप में से यहाँ पर इलिजिबल और अप्लाई यहाँ कर सकता है, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको अप्लाई करना होगा। जो जो स्टेप आपको बताया उन स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करिएगा, पहली बार में आपका अप्लाई हो जाएगा। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है।
लेकिन लेटेस्ट रिज्यूमे पहले अच्छे तरीके से बना लेना। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ रिज्यूमे से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट मेरे पास ज़्यादा आएंगे मैं वीडियो ले आऊँगा। अब कमेंट ज़्यादा कैसे आएंगे, अगर आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे उनके भी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होगी कि रिज्यूमे की वीडियो आए, कैसा रिज्यूमे चाहिए होता है आपके MNC कंपनीज में, विप्रो में, TCS में, ठीक है, इन्फोसिस की बात करें, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसके अलावा विप्रो और अदर कंपनीज, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट जरूर करना है। बात आती है सिलेक्शन आपके कैसे होने वाले हैं। देखिए इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं है, जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। अगर ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ हेल्प चाहिए कमेंट कर देना मुझे आप, ठीक है। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। अब ये जो ऐसे वैकेंसीज आई है इसके लिए अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई जरूर करिएगा, कोई भी क्वेरी है कमेंट करना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन।